देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उसके उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग हैं, कि जो जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की हैं और महाराष्ट्र देख रहा है, वो महाराष्ट्र से उठाकर दूसरे राज्यों में ली जा रही हैं। केंद्र से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार आकर वही प्रोजेक्ट्स इनॉग्यूरेट करें जिसका 6 महीने पहले कर चुके हैं। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उसे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई है, बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे डन वेल। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कहा है कि बीजेपी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अगर इस तरीके का, आई एम श्योर उनको कोई रिपोर्ट मिल रही होगी, और क्योंकि स्लो काउंटिंग भी बहुत चल रही है, जो नतीजे भी आ रहे हैं दे आर चेंजिंग और काफ़ी स्विंग्स भी हो रही है, सो इसलिए मैं इसको फाइनल आउटकम नहीं देख रही हूँ, रिजल्ट आते आते पता चलेगा। पर अगर इस तरीके का दबाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन कमीशन मशीनरी है, जिनको एक इंडिपेंडेंट चुनाव, फियरलेस जो चुनाव होते हैं, फियर फ्री हो और आई वुड से फेयर हो, ये होना ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स वर्थ लुकिंग एट कि अगर हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो कौन दबाव डाल रहा है, क्यों इस तरीके की मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं। पर जो भी होगा अब जनता के सामने आ ही जाएगा कुछ घंटों में। वो अपनी पार्टी के अंदर ही बात कर लें इस बारे में तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आम आदमी पार्टी से वो खुद हैं, आम आदमी पार्टी पर ट्विटर पर आरोप लगा रही हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी इनकी पार्टी के जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, शी विल एक्सप्रेस इट इन द फोरम शी शुड बी रादर देन ट्वीटिंग इट। मैम, एक और सवाल, महाराष्ट्र में चुनाव होने, ऐसे में इसका महाराष्ट्र चुनाव पर कितना असर है? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उसके उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग हैं। आपने दो राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया, आपने परिवारों को फोड़ने का काम किया, आपने परिवारों में दरार की है, और किसके लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। आपने इलेक्शन कमीशन को मिसयूज़ किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ किया, आपने डेमोक्रेसी के जो मूलभूत, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो फाउंडेशन है, उसको ख़त्म करने का काम किया। पहले तो वो एक बहुत भारी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है महाराष्ट्र में कि जो जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की हैं, और महाराष्ट्र देख रहा है, वो महाराष्ट्र से उठाकर दूसरे राज्यों में ली जा रही हैं। केंद्र से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार आकर वही प्रोजेक्ट्स इनॉग्यूरेट करें जिसका 6 महीने पहले कर चुके हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस तरीके से स्टैचू गिरी, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये सारे मुद्दे महाराष्ट्र में लागू होंगे, और महाराष्ट्र विल वोट ऑन द बेस ऑफ इमोशंस। एंड क्या ये महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुसार काम हुआ है या कि उसके विपरीत हुआ है, ये लड़ाई वो होगी। तो हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस है। जो लोकसभा में हमने अपने चुनाव नतीजे देखे हैं, उसी कॉन्फिडेंस को हम लेकर, उसी कॉन्फिडेंस से हम जनता के बीच जाएंगे और जनता की बातों को रखेंगे।